चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्योंकि सर जो भी इसमें बेरोजगारी चल रही, बेरोजगारी की मार चल रही है सर, चारों तरफ स्टूडेंट परेशान है सर। जहां तक बैंक के लोन की बात किए हैं तो गरीब आदमी अगर 10,000 का लोन ले ले तो उसका खेत बिक जाएगा। तो 17 में कहां वोट किया था? वोट तो सभी लोग बीजेपी में किए थे। तब आपको उम्मीद थी? लोग बीजेपी में क्यों वोट किए थे? लोगों ने सोचा था कि बदलाव आएगा। हम अभी आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा में हैं और सगड़ी विधानसभा का ये एक लाट घाट का बाजार है। लाट घाट का बाजार रौनक पार रोड पर है भाई साहब बता रहे हैं। इस बाजार में आप आइए, यहाँ बड़ा बिजी बाजार रहता है। अलग अलग बिरादरी के लोग यहाँ मिलेंगे आपको, अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे। आइए पता करते हैं यहाँ पर लाट घाट बाजार में। यहाँ चुनावी चर्चा सुनने में आया है, बहुत मज़ेदार होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। जी साहब, आपका नाम? सोहन सोनकर। हाँ जी, सोहन सोनकर। सोहन सोनकर जी, सोहन जी क्या करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो वोट बना है आपका अभी? जी सर। तो पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी सर। कहाँ डालेंगे पहली बार? सर दिल को, हमारा पहला वोट जाएगा सपा को सर। पहला वोट सपा को जा रहा है जी? क्यों? क्योंकि सर जो भी इसमें बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी की मार चल रही है सर, चारों तरफ स्टूडेंट परेशान है सर, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है सर, इसीलिए सर मेरा पहला लक्ष्य है कि सपा वोट चाहिए। जिंदगी का पहला वोट आपका साइकिल पर जाएगा? साइकिल जाएगा सर। आप मतलब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, आपको यकीन नहीं है कि आपकी पढ़ाई के बाद ये सरकार आपको नौकरी दे पाएगी? जी सर, जी, यस सर। ऐसा क्यों? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम 4 लाख वैकेंसी निकाले हैं। सर वो कह रहे हैं, एक्चुअली सही कर रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं लड़के, हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है सर। एक्चुअली अलग अलग कठिनाइयाँ हो रही हैं सर। आपका नाम साहब? हाँ जी सर, हीरालाल सर। हीरालाल साहब, हीरालाल साहब करते क्या हैं आप? मैं धंधा करता हूँ सर। धंधा करते हैं? आपका बिजनेस है? जी सर। तो ये 5 साल आप लोग जो बिजनेस करते हैं, किस तरह के व्यापार है, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? व्यापार तो सर ठीक ही चल रहा है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई इसमें थोड़ा तकलीफ हुआ है, पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा जी। अच्छा, तो हीरालाल जी चलिए ये छोड़िए, आप बताइए फिर। आप कह रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर दिक्कत हो, ये सब क्या, आप इस बार वोट कहाँ डालने की सोच रहे हैं? मैं तो सर सपा को दूंगा। आप भी सपा को? जी सर। पिंगा जी क्या करते हैं? धंधा करते हैं। कहे का? फल का। फल का। तो ये 5 साल आपके जो धंधा है फल का, रेडी है आपकी फल की? नहीं नहीं, आढ़त है। आढ़त है? आढ़त हैं आप? अच्छा अच्छा, तो आप तो आढ़त हैं। एक चीज़ बताइए, एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ है इस साल, आप लोग इस सरकार से खुश हैं जो आढ़त हैं आपकी मंडियों में, कैसा चल रहा है काम? अरे सर ये सरकार में तो बहुत, हम लोग के बहुत घाटा है। अच्छा। हाँ, यानी कि 2 बार तो लॉकडाउन हुआ, धंधा में तो इतना गया कि कितना हम लोग बताएंगे। अच्छा। हाँ, तो कुछ मदद नहीं मिली सरकार से? कुछ नहीं मिली। अच्छा, कुछ नहीं मिली। तो कहाँ वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो, हमारे नेता शंकर हैं बहुजन का, उसमें देंगे। आप बसपा के साथ हैं? हाथी के साथ? हाँ। जी साहब, आपका नाम? बहुत लोग, बहुत देर से लोग आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, मेरा नाम लालसा सोनकर है। लाल साहब, कहाँ पर आप वोट देने की सोच रहे हैं इस बार? हम तो यहाँ तो शंकर यादव को देना है, लेकिन कोई नेता है नहीं यहाँ। शंकर यादव जो बसपा? हाँ, से खड़े हैं। हाँ, यहाँ न वंदना सिंह नेता है, न डॉक्टर एच एन सिंह नेता है, ये लोग नेता की श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में केवल वही नेता एक शंकर यादव दिखाई दे रहा है हमको। तो पार्टी से नेता कैसे बनते हैं? पार्टी से मतलब नहीं है। अच्छा, आप नेता की तरफ जा रहे? नेता की तरफ जा रहे हैं, नेता को जिताना है। शंकर यादव से? शंकर यादव। हाँ, क्या आप करते क्या हैं? मैं फल सल, फल का होलसेलर व्यवसायी हूँ। फल का व्यवसाय है आप? तो आपका बिजनेस है फलों का बिजनेस है, किस तरह का आपका अनुभव रहा है पिछले? अनुभव हम लोगों का तो सत्यानाश बीजेपी में कर दिया। सत्यानाश हो गया? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। और कुछ मदद मिली है आपकी जो, मतलब? क्या मदद मिला? हम नहीं मिली कुछ नहीं। तो ये बताइए, अब आपका क्या उम्मीद है कि आने वाले, क्योंकि आप जा रहे हैं बसपा के प्रत्याशी पर? आप कह रहा हूँ कि सरकार किसी की बनेगी, उससे मुझसे मतलब नहीं है। आप प्रत्याशी? जो लाभ आपको मिलेगा वही लाभ मुझको भी मिलेगा, लेकिन हमको नेता चाहिए। नेता हमारे यहाँ शंकर यादव और कोई नहीं। आप आइए ना साहब, आइए साहब, आइए सर, इधर आइए, आइए जी साहब। आपका नाम? हमारा नाम दुमाकांत है। दुमाकांत जी क्या करते हैं आप? हम तो पेशे से छोटे मोटे छायाकार हैं। छायाकार हैं? अरे वाह। तो अभी क्या इस बार आप छायाकार हैं, और मतलब अखबार के लिए हैं? कहाँ छायाकार? नहीं नहीं, स्टूडियो है। स्टूडियो है? अरे वाह, अरे वाह। तो इस बार कहाँ आप सोच रहे हैं, मतलब चुनाव में कहाँ जाने की सोच रहे हैं?
सोच रहे हैं विकास पर जाएंगे। तो विकास कौन कर रहा है? अब विकास तो आप देख ही रहे हैं कौन कर रहा है। हम नहीं देख रहे हैं तभी तो आप नहीं देख रहे हैं। तो विकास तो हम देख रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी मोदी जी, तो क्या विकास किया है पाँच साल में बताइए? क्या चार मतलब तीन नीतियां बताइए जो बहुत पसंद आई हूँ? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार रूपी गुंडा राज को खत्म किया। सबसे पहले गुंडा राज खत्म किया आप कह रहे, ठीक है। शिक्षा में सुधार किए। शिक्षा में कैसे सुधार किए? शिक्षा में सुधार ये किया कि नकल को रोके, लेकिन एग्जाम तो सारे कैंसिल पर कैंसिल हुए जा रहे हैं। कैंसिल पर कैंसिल हुए। अच्छा कैसे हुआ शिक्षा? बच्चों का तो मतलब भविष्य यहाँ पर सबका अटक गया। हाँ अटक गया। तो फिर उसके बावजूद परीक्षा कराई सरकार ने। मतलब जो इतना बार परीक्षा मतलब अच्छा चलिए आगे बताइए, आपको लग रहा है कि शिक्षा सुधार आया? स्कूल में आपको लग रहा है इधर सुधार आया? उधर सुधार का मतलब है कि कोरोना सरकारी स्कूल वगैरह में कोरोना काल में तो स्कूल बंद चल रहे थे। तो अब ये बताइए जैसे कोरोना काल में जब स्कूल बंद हुए तो बहुत सारे बच्चों को कहा ऑनलाइन पढ़ाई करिए, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे मोबाइल की दिक्कत थी, रिचार्ज थी, तो वो क्या सरकार वो पूर्ति कर पाई उसका? अभी नहीं। नहीं तो शिक्षा में आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छा काम किया? अभी तो सरकार पाँच साल में इतने ज़्यादा 60 साल 70 साल के भ्रष्टाचार थे, तो पाँच साल में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं पाँच साल और दीजिए तब सुधार करेगी, ठीक है। और तीसरा काम बताइए। अब तीसरा काम तो हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। नहीं बट मतलब आप देख रहे हैं अपने आस पास, आप कह रहे हैं विकास हुआ, तो हम पूछ रहे हैं क्या विकास? सबसे ज़्यादा सरकार से तकलीफ एक ही बात की है कि सरकार जैसे कर रही है कि बैठ करके कि हम गरीबों के लिए कर्ज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन बैंक मैनेजर के पास जाने के बाद जो लोन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उनका दलाल जो है घूम करके लोन जो आवंटित करा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आप खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, बैंक मैनेजर भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार का मतलब हम बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि इधर हमारे कैमरे हैं इधर, पाँच साल में हम सारी भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, खत्म हो जाए। अच्छा, तो अभी पाँच साल और देंगे तभी काम देखेगा, विकास और देखेगा जी। ठीक है ठीक है, आपका ये कहना है। तो चलिए आपसे नहीं बात हुई साहब, बोलिए आपका नाम? मुन्ना। मुन्ना जी क्या करते हैं मुन्ना जी? जी बस थोड़ा आउट ऑफ कंट्री घूम लेते हैं, घर जॉब कर लेते हैं, फिर इंडिया में भी कर लेते हैं। क्या आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कई जगह किए हैं, मतलब हम फोरक्लिप ऑपरेटर हैं। फोरक्लिप ऑपरेटर हैं। अच्छा अच्छा, ऑपरेटर हैं। हाँ सर, यूएई में किए हैं, कतर में किए हैं, कुवैत में किए हैं। गल्फ जाते हैं? हाँ गल्फ जाते हैं। ठीक है। तो साहब मुन्ना जी इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आप? चुनाव में देखिए बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं। क्यों, इतना क्यों नाराजगी है? नाराजगी है ना सर, मैं यूएई में था तो मुझे एक पाकिस्तानी आदमी था वो हमारा मजाक उड़ा रहा था। क्यों? बोला कि मुन्ना भाई आप लोग को कोरोना हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला आप गाय का मूत पिएगा, गोबर मुँह पे लगाएगा, अच्छा हो जाएगा, हम लोग तो साला मर जाएगा ना, ऐसा बोला। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट डिबेट में वो चक्रपाणी जी डायरेक्ट बोल रहे थे कि गल्फ से कोई आदमी आता है तो ये क्या बात हुई? अरे ऐसे मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहा था। जहाँ तक बैंक की लोन की बात किए हैं तो गरीब आदमी अगर 10,000 का लोन ले ले तो उसका खेत बिक जाएगा, और अमीर आदमी जो है कि जब लोन लेता है ना तो बैंक बिक जाते हैं, बैंक बिक जाते हैं। अभी किसको नहीं पता है कि अडानी अम्बानी कहाँ है? पूरे बीजेपी में मतलब कि भारत को लूटने वाले 21 आदमी हैं। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप कहाँ वोट पिछली बार डाले थे? पिछली बार हम इंडिया में नहीं थे। अच्छा थे ही नहीं, चलिए इस बार तो इंडिया में है। हाँ, 4 दिन में ही चुनाव है यहाँ। हाँ, सर कहाँ वोट डाल रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा है कि बीजेपी नया उसको मतलब कि जो उसको जो लीड करेगा उसको दे देंगे। अच्छा, तो जो सपा बसपा में से मजबूत होगा उनके खिलाफ उनको। आई डोंट लाइक बीजेपी। यू डोंट लाइक बीजेपी, चलिए ठीक है। आपका नाम साहब? राजीव सोनकर। राजीव सोनकर साहब जी क्या करते हैं? इंजीनियरिंग किए हैं। इंजीनियरिंग किया, ये बैठिए ना। या थैंक यू। आप बताइए, आप लोग जहाँ सब लोग कह रहे हैं आप भाजपा को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, कोई भाजपा को पसंद नहीं, क्यों करेगा? अच्छा। देखिए भाजपा का फंडा क्या है, 150 करोड़ की आबादी है जिसमें 100 रुपए का तेल चल रहा था और अभी 200 कर दिए, तो आप सोचिए 150 करोड़ की आबादी कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको, और परेशान कौन है? पब्लिक परेशान है। और ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो से आदमी का गुजारा हो जाएगा, उससे ज्यादा महंगाई है। आप बताइए, रोजगार है ही नहीं है, रोजगार कोई भी वैकेंसी सही से करा नहीं पड़ेगा। तो आप इंजीनियरिंग वैकेंसी हो रहा है उसमें भी पेपर आउट हो जा रहा है, तो क्या फायदा है उसकी एग्जाम का? बिल्कुल। तो आप ये नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं, बिल्कुल, तो नौकरी मिली है कोई? कहाँ नौकरी मिली, 2014 का पास आउट हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं। कोई वैकेंसी बताइए। और प्राइवेट में? प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में कुछ है बताइए? यूपी में क्या है, कुछ हो तो बताइए। कमजोर हो गया है ही नहीं कोई सेक्टर। एटलीस्ट इस सरकार को चाहिए कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक हब बनाए, लोगों को रोजगार मिले,
कहाँ है, यूपी में कुछ है? तो यहाँ सब लोग क्यों कह रहे हैं भाजपा समर्थक है आप? तो कौन बोल रहा है भाजपा समर्थक भाई, क्यों रहेंगे? माफी, माफी, अच्छा। क्यों रहेंगे? क्या किया भाजपा हमारे लिए? भाजपा ने क्या किया? अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 28। तो मतलब पिछली बार भी वोट था आपका, अगली बार है ना, तो 17 में कहाँ वोट किया था? वोट तो सभी लोग बीजेपी में किए थे। तब आपको उम्मीद थी? बीजेपी में क्यों वोट किए थे? लोगों ने सोचा था कि बदलाव आएगा, कुछ क्रांति आएगी। सभी लोगों से थक गए थे कि ये सरकार कुछ बेहतर करेगी, लेकिन क्या की इस सरकार ने? ये सरकार तो सबसे निकम्मी निकल गई, कुछ किया ही नहीं। हर समय झूठ झूठ झूठ, मतलब कोई भी काम है सिर्फ पेपर में है, जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो बताओ आप। तो अभी इस बार कहाँ वोट देने की सोच रहे हो? बिल्कुल सपा में वोट करेंगे। सपा में वोट बिल्कुल करेंगे। फ्रीडम है, खुल के बोलिए, कहाँ चले गए भैया? जो बोले हैं 5 किलो अनाज पे, हम कहते हैं सरकार हमको 5 किलो अनाज न दे, रोजगार दे। पर व्यक्ति 10,000 नौकरी करे, एक परिवार में एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है तो अपने परिवार को 10,000 मैनेज कर लेगा। आपको फ्री क्या दे रहे हैं? 2 किलो रुपए चावल था, 1.5 रुपए किलो गेहूं था, लगभग फ्री ही था। 60 रुपए का चावल आपको दे रहे हैं। ये है कि 2,000 मोदी जी दे रहे हैं ना पीएम किसान योजना का, आप सोचिए कितने करोड़ की आबादी है, कितने लोगों को दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो आम आदमी से खींच रहे हैं। आपका तेल 100 रुपया तेल कर दिया, 80 रुपए था ना, 1 रुपया ले गए तो 150 करोड़ ले गए, 200 ले गए, 80 से 200। महंगाई, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर लोग बेरोजगारी महंगाई से बहुत नाराज हैं और व्यवसायों पर भी लोग कह रहे हैं कि धंधा नहीं चला ठीक से। अब मुझे ये बताइए, गांव देहात में एक बहुत बड़ा मुद्दा है खुला सांड का, खुला सांड मतलब खुला जानवर, तो ये शहरों में भी मुद्दा है, यहाँ कस्बे में भी प्रॉब्लम होता है। एक्सीडेंट जो है कि 70% उसी से हो रहे हैं, सांड का ऐसे। हाँ सर, बताइए आपका नाम? क्यों, अमर बहादुर सिंह। अमर बहादुर जी, कहाँ आप लोग इस बार? आप तो खैर भाजपा का पटका पहन गए हैं तो मैं पूछूंगा भी नहीं आप कहाँ वोट कर रहे हैं जी, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर लोग काफी कुछ कह रहे हैं, आप काम का विश्लेषण कैसे करेंगे अपनी पार्टी का 5 सालों में? क्या कैसा लगा अपनी पार्टी? अब जो भी काम बहुत बढ़िया है, विकास का चला, काफी विकास है। अच्छा, क्या विकास? गुंडाराज खत्म है, मंदिर बनने से विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा मंदिर बनने से, सबका विकास हो जाएगा। अरे नौकरी मिलेगा तब विकास होगा कि मंदिर बनने से विकास होगा, बताइए ना। अपने क्या है इसके पहले? देखिए सर, गांव में मंदिर बढ़ता है, कोई नहीं जाता है, ये जाते हैं पूजा करने के लिए, हम जाते हैं पूजा करने के लिए, मुझको नौकरी मिलेगा, मुझको कमाई मिलेगा, रुपया रहेगा तो हमको कहीं विकास कर लेंगे, ये बात करते हैं। बताइए, ये कह रहे हैं कमाई दीजिए, रोजगार दीजिए, हम खुद मंदिर बना रहे हैं। रोजगार तो इसमें भी मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? शांति से मिल रहा है। लाट घाट बाजार में हम है, मामला मौसम भी गर्माया हुआ है, मामला भी गर्माया हुआ है। अब हम यहाँ पर इस बात चर्चा को खत्म करेंगे, हमारे कैमरे भी बहुत गर्मा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद CCA के साथ जुड़ने के लिए।